बच्चों, मैं सरोजनी फ्रॉम जीएसएस एलसी सर जेम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु। तो जिसकी पॉइंट है जॉन किट्स। कौन है बच्चों? ब्रिटिश इंग्लिश पोएट रहे हैं, जो एक रोमांटिक पोएट थे और उन्होंने नेचर से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं लिखी है। इस पोएम में जॉन किट्स ने क्या बताया कि बच्चों, क्योंकि जो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा ही क्या है, हमें जॉय देने वाली है, हमारी हैप्पीनेस को इनहेंस करने वाली है, और जो भी ब्यूटी है इस नेचर की वो कभी भी क्या खत्म नहीं होती, हमेशा इंक्रीज होती रहती है। और इस ब्यूटी की वजह से क्या है, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, सैडनेस है, ग्लूमिनेस है, डिस्पोंडेंस है, वो सब निकल जाती है और हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। तो जो सुंदरता की जो भी चीजें हैं, जैसे सन है, मून है, नेचर है, जो ट्री है, वाटरफॉल्स है, तो ये हमें जब भी इनके पास हम जाते हैं तो हमारी जो भी परेशानियां तकलीफ है वो हम भूल जाते हैं और अपना जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। सो लेट्स रीड द पोएम एंड नो व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ पावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसके अंदर पोएट ने क्या कहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तु है वो क्या है, इज अ जॉय फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। तो सुंदरता की वस्तु है वो हमेशा के लिए हमें क्या है, आनंद प्रदान करती है, हमेशा की जॉय अपनी लाइफ में भरती रहती है। तो सुंदरता की वस्तु है वो क्या करती है, अपने जीवन में हमेशा ही आनंद भरती रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और जो सुंदरता की वस्तु है उसकी ब्यूटी है, उसके जो क्यूटनेस है, सुंदरता की वो ब्यूटी है वो कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा ही इंक्रीज होती रहती है। इंक्रीज होना मतलब इनहेंस होना, वृद्धि होना, बढ़ते रहना। तो ये सुंदरता है नेचर में वो हमेशा ही क्या है, बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब जो नगण्यता या खत्म हो जाना, नथिंगनेस नगण्यता या खत्म होना ना, वैल्यू समाप्त हो जाना उसकी। तो पास इनटू मतलब टर्न इनटू, परिवर्तित होना, टर्न इनटू परिवर्तित होना या चेंज होना, पास इनटू का क्या होगा, परिवर्तित होना। तो सुंदरता है, ब्यूटी है इस नेचर की, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो इसकी सुंदरता है वो कभी भी नगण्यता में बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है। बट विल कीप अबाउर क्वाइट फॉर अस, लेकिन उल्टा क्या है, ये सुंदरता ही हमारे लिए हमेशा ही क्या है, एक बावर की तरह होती है जो हमें शांति प्रदान करती है। बावर क्या होता है, शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया। तो हमारे लिए एक ये कुंज या पेड़ की छाया का कार्य करती है और क्या है, हमेशा हमें शांति आनंद प्रदान करती है। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, तो ये सुंदरता क्या करती है, एक पेड़ की छाया की तरह होती है, शेड ऑफ ट्री की तरह होती है, और जिसकी छांव में हम क्या है, सोते हैं और हमेशा ही स्वीट ड्रीम्स हम लेते हैं, मीठे सपने हमें आते हैं। हेल्थ, बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है, ताजा ऑक्सीजन मिलती है, तो इससे हमारा हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट मतलब शांतिपूर्वक और ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, और इस पेड़ की छांव में, इस सुंदरता के पेड़ की छांव में हम हमेशा ही शांति की सांस लेते रहते हैं। क्वाइट मतलब शांत। तो इसमें इस चैप्टर में क्या बताया कि सुंदरता है वो हमेशा ही हमें
आनंद प्रदान करने वाली होती है और सुंदरता कभी कम नहीं होती, ऑल टाइम ये इंक्रीज होती रहती है, इनहेंस होती रहती है और ये कभी भी खत्म नहीं होती। और ये एक ऐसे बावर पेड़ की छांव की तरह है जिसकी छांव में अगर हम सो गए तो हमें स्वीट ड्रीम्स, मीठे सपने आते हैं, हमारा स्वास्थ्य बना रहता है और हम शांति की सांस लेते रहते हैं। तो एक पर्सन है वो इस पेड़ की छांव के नीचे लेट कर क्या मीठे सपने लेता है, अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है और उसका स्वास्थ्य ताजा हवा, ताजा ऑक्सीजन मिलने से क्या है अच्छा स्वास्थ्य बना रहता है। Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for over searching. तो नेक्स्ट स्टेज में हमें पॉइंट क्या कर रहा है कि हमारे अंदर जो भी इल्स हैं, बुराइयां हैं, वो सब निकाल कर ये हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। कौन? थिंग ऑफ ब्यूटी, जो भी सुंदरता की वस्तुएं संसार में है वो। तो क्या कहता है, देर फॉर, इसलिए, देर फॉर का क्या होगा, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब नेक्स्ट डे, अगला दिन, तो प्रत्येक अगले दिन, मोरो का क्या होगा नेक्स्ट डे, आर वी रीडिंग, रीडिंग मतलब जैसे माला गूंजते हैं उसमें फूल पिरोते हैं उनको बोलेंगे रीडिंग, तो आर वी रीडिंग, रीडिंग मतलब गूंथना, ए फ्लोवरी बैंड, फ्लोवरी मतलब फूलों की बैंड मतलब माला, तो फूलों की माला, टू बाइंड अस, बाइंड करना मतलब अटैच करना, जोड़ना, कनेक्ट करना, तो बाइंड अस मतलब हमें क्या है, बाइंड करता है मतलब अटैच कर देता है, जोड़ देता है, जोड़ना, और टू द अर्थ, पृथ्वी से। तो क्या होता है, इसलिए ऑन एवरी मोरो, प्रत्येक अगले दिन ये सुंदरता हमें क्या करती है, पृथ्वी से हमें क्या, इस धरती से हमें जोड़ती है और हम क्या है, फूलों की माला गूंथते रहते हैं जिससे हम इस पृथ्वी से जुड़े हुए रहते हैं, खुशियों की माला, फूलों की माला गूंथते रहते हैं और हम इस पृथ्वी से कनेक्ट होते रहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक अगले दिन इस पृथ्वी से जुड़े रहने के लिए हम फूलों की माला गूंथते रहते हैं, मतलब हम सभी क्या है, इस नेचर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं और अपने जीवन की फूलों की माला गूंथते रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नेबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर ओवर सर्चिंग। तो स्पाइट क्या होता है, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें, परेशानियां, इल्स हमारे अंदर हैं, उनके बावजूद डेस्पोंडेंस क्या होता है, निराशा, रिजेक्शन, द इनह्यूमन मतलब अमानवीय, लैक ऑफ ह्यूमिनिटी मानवता का भाव हो जिसमें, डर्थ मतलब कमी या अभाव, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर मतलब बहुत अच्छा स्वभाव, उच्च गुण जिसके अंदर हो, नेक गुण जिसके अंदर हो, नोबल मतलब नेक या उच्च, नेचर्स मतलब यहाँ पे गुण या प्रकृति उसका स्वभाव, ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब ग्लूमी मतलब उदासीनता पूर्ण, जो हमारे उदासीनता पूर्ण दिन है, उन दिन है वो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन डेज, अनहेल्दी मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, अनहेल्दी अस्वास्थ्य कर, ओवर डार्कन फेज मतलब जो अपने बुरे तरीके हैं कार्य करने के या बुरे कर्म हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ओवर डार्कन फेज मतलब बुरे कर्म, गलत रास्ते जो हमने अपनाए हुए हैं वो,
मेड फॉर और सर्चिंग, अगर हम खोज करें, सर्चिंग करना मतलब लुक फॉर, तलाश करना, खोज। तो इस स्टेंजा में क्या बताया है कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, हमारे अंदर बहुत सारी निराशाएं भरी रहती है, इसके बावजूद द इनह्यूमन अमानवीयता बनी रहती है, डर्थ ऑफ नोबल नेचर, आज के समय लोगों में अच्छे अनेक स्वभाव या गुण की कमी है, द ग्लूमी डेज और हमारे उदासीनता पूर्ण दिन है, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, और हमारे अस्वास्थ्य कार्य क्या है, कार्य ओवर डार्कन वेज, और अपने जो बुरे कर्म है, वो इविल जो वेज है, अपने बुरे जो तरीके हैं, वो सब क्या है, हमारे अंदर भरे हुए हैं। इन सब के बावजूद इतनी बुराइयां हमारे अमानवीयता है, बुराइयां हैं, उनको निकालकर सुंदरता क्या है, हमारे जीवन को आनंद से भर देती है, खुशियों से भर देती है। मेड फॉर और सर्चिंग, अगर हम तलाश करते हैं इस ब्यूटी की, तो इस ब्यूटी का ब्यूटी क्या करती है अपने जीवन में, ये सब हमारी उदासीनता को, सैडनेस को, ग्लूमीनेस को निकालकर हमारा जीवन है वो जॉय, आनंद से भर देती है। जैसे हम इस पेड़ की छांव में सो रहे हैं, तो हम अपने सारी दुख तकलीफ भूलकर क्या है, सुकून की नींद लेते हैं, स्वीट ड्रीम्स लेते हैं, तो वो इसमें बताया है। तो थर्ड स्टेंजा में क्या कहा है किसने, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ओवर डार्क स्प्रिट्स सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सेटी बून फॉर सिंपल सीन। तो इसमें थर्ड स्टेंजा में क्या बताया है कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, सैडनेस है, उसको ये ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी है, वो सब निकाल देती है और जीवन को क्या है, खुशियों से भर देती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, मतलब हमें इतनी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ हैं, तो इन सब के बावजूद ऑल ऑफ सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो जो सारी ब्यूटी की शेप है, आकृतियां हैं, मतलब नेचर में अलग हर चीज में ब्यूटी है, तो जो सुंदरता की आकृतियां हैं, वो क्या करती है, मूव्स अवे मतलब हटा देती है, निकाल देती है। तो इस प्रकृति में जो भी सुंदरता की वस्तुएं हैं, वो सब हमारे अंदर से क्या हटा देती है, द पाल फ्रॉम ओवर डार्क स्प्रिट्स, पाल का मतलब क्या हो गया, आवरण या पर्दा, आवरण या पर्दा, तो किस चीज का पर्दा, मतलब हमारी जो डार्क स्प्रिट्स है, हमारे जो निराशाएं हैं, जो हमारे अंधकारपूर्ण जो अंतरात्मा है, वो क्या है, उससे हमारे जो दुख का पर्दा है, सैडनेस का पर्दा है, वो हटा देती है, और ये सेम वो ब्यूटी है जो सुंदरता की आकृतियां है, स्प्रिट्स मतलब अंतरात्मा। तो हमारी जो अंतरात्मा में दुख आ गया, उसके आवरण को, पर्दे को हटाकर ये क्या करती है, जो सुंदरता की आकृतियां, उसको हटा देती है। कौन कौन सी है वो सेम वो ब्यूटी, सुंदरता की वो आकृतियां कौन सी है, सच द मून सूर्य, सच द सन सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, मतलब जो भी पेड़ है, चाहे बड़े हो, चाहे यंग वृद्ध हो, चाहे जवान हो, वो हर प्रकार के पेड़, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग करते थे मतलब पैदा करना, स्प्राउट करना मतलब पैदा करना, स्प्राउट होना मतलब अंकुरित करना, अंकुरित या पैदा करना, सेडी बून, सेडी मतलब एकदम छायादार, बून मतलब वरदान, बून क्या होता है, वरदान, तो एकदम छायादार वरदान साबित होता है किसके लिए, फॉर सिंपल सीप, सीप मतलब भेड़,
और सिंपल मतलब सीधी सादी। तो जो सीधी सादी भेड़े हैं जो जंगल में चरती हैं, उनके लिए ये छायादार वरदान साबित होते हैं। कौन? जो भी शेप ऑफ ब्यूटी है, जो भी प्रकृति की आकृतियां हैं जो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है वो। तो सच द सन द मून, जो सूर्य चंद्रमा पेड़ जो बुढ़े जवान सब प्रकार के, वो एक छायादार वरदान पैदा करती हैं इन सीधी सादी भेड़ों के लिए। मतलब जो नेचर के ब्यूटीफुल थिंग्स है वो इन सब के लिए क्या एक वरदान सा साबित होती है इन भेड़ों के लिए या हम और हमारे लिए भी। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं, एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूसम्स। तो इसमें तो क्या बताया कि जो सूर्य चंद्रमा या पेड़ है जो शेप ऑफ ब्यूटी है थिंग्स ऑफ ब्यूटी है वो हमें क्या है एक वरदान की तरह साबित होती है भेड़ों के लिए। आगे बताया कि इसी प्रकार हर चीज है ना वो सुंदरता का जो प्रतीक है इस पोएम में वो हमें आनंद देती है। अगला वो जिक्र कर रहा है डेफोडिल्स के फूलों का, डेफोडिल्स के फूल मतलब नरगिस के फूल, तो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं और हमें देखते ही आनंद की खुशियों की प्राप्ति होती है। तो क्या करते हैं पॉइंट, सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मतलब नरगिस के फूल, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया नरगिस के फूल विद द ग्रीन वर्ल्ड। तो कभी कहते हैं कि जैसे नरगिस के फूल हैं वो एकदम हरे भरे संसार में रहते हैं, मतलब हरी भरी हरियाली के बीच में ये खिले रहते हैं। लिव इन दे लिव इन मतलब ये हरे भरे संसार में इनकी हरी भरी दुनिया होती है उसमें ये नरगिस के फूल खिले रहते हैं। ऐसे ही क्लियर रिल्स, रिल्स क्लियर मतलब साफ और रिल्स मतलब जलधारा या झरना, रिल्स मतलब जलधारा या झरना। तो इसी प्रकार डेफोडिल्स होते हुए से ही क्या है साफ झरना होता है। दैट फॉर देम सेल्वेज अ कूलिंग कवर्ट, और कवर्ट मतलब आश्रय। तो ये आश्रय भी कवर्ट मतलब झाड़ियों का आश्रय। तो ये साफ झरने हैं वो अपने आप में क्या है ठंडक प्रदान करते हुए एक आश्रय के समान होते हैं। मेक गेम्स द हॉट सीजन, जो अपने आप को ठंडा आश्रय प्रदान करते हैं किस समय, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध किस समय, जब गर्म ऋतु होती है गर्मी की सीजन होती है ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इस समय ये क्या है छोटे छोटे झरने हैं ये एक तरह से ठंडा आश्रय प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो मिड मतलब मध्य में जंगल के बीच में जो भी ब्रेक है झाड़ियां हैं, तो जंगल के बीच में बहुत सारी झाड़ियां जो उगी हुई हैं वहां क्या है रिच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग होना मतलब बिखराव, छिड़काव होना किसी चीज का, बिखराव या छिड़कना छिड़काव। तो जंगल के मध्य में जो झाड़ियां हैं उनके बीच किस चीज का छिड़काव हुआ है बिखराव हुआ है, फेयर सुंदर मस्क रोज ब्लूसम्स, किसका है मस्क रोज ब्लूसम्स, जो सुगंधित कस्तूरी गुलाब है उसका छिड़काव सा लगता है। क्या होता है मस्क रोज ब्लूसम्स, सुगंधित कस्तूरी गुलाब। तो पोएट कह रहे हैं कि जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक है जंगल के मध्य झाड़ियां हैं उनके बीच में सुगंधित गुलाब के फूल खिले हुए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि झाड़ियों के बीच में सुगंधित गुलाब का छिड़काव किया गया हो।
या उनका क्या है बिखराव हो गया हो। तो इन झाड़ियों के मध्य बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं, एक तरफ डेफोडिल्स के फूल खिले हुए हैं हरे भरे संसार में, एक तरफ साफ झरना है। तो ये तीनों ही इमेजेस हैं, ये हमें प्रकृति में बहुत ज्यादा खुशियां प्रदान करती है, इनको देखने से बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। और किसी को भी अगर कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, स्ट्रेस है किसी प्रकार का, तो इनकी सुंदरता को देखते ही वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। तो इस स्टेंजा में क्या कहा कि पहले स्टेंजा तो बताया कि जो मून सन ट्रीज है ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, आगे क्या बताया कि जो डेफोडिल्स हैं या जो रोजेस हैं, रोज हैं और जो भी क्या है क्लियर रिल्स हैं, ये भी क्या है हमें आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। तो इन सब चीजों के अलावा और भी कई चीजें होती हैं इस नेचर में जिससे हम प्रेरणा लेके या किसी भी तरीके से जीवन में अपनी उदासीनता को निकाल सकते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं, वो बात इस स्टेंजा में कही है। जैसे कि सच टू, इस प्रकार ये भी, इसका ग्रैंडियर, ग्रैंडियर क्या होता है वैभव, श्याम शोकत। तो कोई इमारत है बढ़िया शानदार बनी हुई है तो उनको देखकर भी हमें खुशियां प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है। तो ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, डूम्स क्या होते हैं जो मकबरा होता है उसके ऊपर जो गुंबद बना होता है उसको क्या बोलते हैं डूम्स गुंबद। जैसे ये मकबरा है इसके ऊपर जो भी गुंबद बना होगा उसको हम बोलेंगे डूम्स डूम्स। तो एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, मतलब ये मकबरे के ऊपर जो गुंबद बने हुए हैं इनकी भी जो श्याम शोकत है वैभव है उसको भी देखते हैं तो भी हमें खुशियों की प्राप्ति होती है, ये भी अपने जीवन को प्रसन्नता से भर देती है। इसके साथ ही वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, क्योंकि हम इन डूम्स को गुंबद वगैरह को देखकर हम ये कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, मतलब ये कल्पना करते हैं जो भी शक्तिशाली माइटी मतलब शक्तिशाली लोग मृत्यु को जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम कल्पना करते हैं कि ये जो इतने शानदार गुंबद बना के गए हैं वो लोग कितने शक्तिशाली रहे होंगे। तो हम इनसे कल्पना करते हैं, उन माइटी डेड जो शक्तिशाली लोग हैं उनकी हम कल्पना करते हैं और उनके प्रति भी हमें हमारे अंदर रिस्पेक्ट जागता है कि उन्होंने कितने सुंदर सुंदर डूम्स बनाए हैं, कितना ग्रैंडियर है और कितना शान शौकत है इन इमारतों के अंदर। ऑल लवली टेल्स, और इसके अलावा वो सभी मधुर कहानियां, एक तो हमें ये जो डूम्स है वगैरह ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं, उन शक्तिशाली लोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने इतने शानदार शौकत वैभव से बने हुई इमारतें बनाई। दूसरा हमें जो ये लवली टेल्स हैं, जो बहादुरी की कहानियां हम सुनते हैं, दैट वी हैव हियर्ड और रीड, जिस कहानियों को या तो हमने किसी से सुना है या हमने पढ़ा है, तो वो सब भी हमारे लिए क्या प्रेरणादायक है। एंड एंडलेस फाउंटेन, और ये एंडलेस फाउंटेन मतलब फाउंटेन क्या होता है झरना, और एंडलेस मतलब अंतहीन। तो ये कहानियां हमारे लिए क्या है, ये टेल्स हमारे लिए क्या है, एक एंडलेस फाउंटेन की तरह, एक अंतहीन झरने की तरह है जो हमारे जीवन को प्रेरणा देता रहता है और ये प्रेरक के रूप में काम करती है और हमारे अंदर की उदासीनता को निकालती है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मतलब जो अमरत्व का पेय है, इमोर्टल मतलब अमर और ड्रिंक मतलब पेय अमरत्व। तो अमरता का जो पेय है जो पीने हुए है, पोरिंग पोरिंग करना मतलब उडेलना, तो ऐसे लगना है तो अमरता का जो पेय है, पेय पदार्थ है उसको उडेल रही है।
टू अस, हमारे अंदर फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारा, एज, ब्रिंक मतलब किनारा और हेवन का क्या होता है स्वर्ग। तो ऐसे लगता है कि स्वर्ग के किनारे से अमरता के पेड़ को हमारे अंदर ये उड़ेल रहे हैं और ये एक अंतहीन झरने की तरह ये कहानियां है। मतलब हम थिंग्स ऑफ ब्यूटी तो है जैसे सूर्य चंद्रमा पेड़ वगैरह सब, और इसके अलावा जो इमारतें हैं गुंबद हैं ये भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ये भी हमारी उदासी को निकालते हैं। और इसके अलावा जो कहानियां हैं, प्रेरक कहानियां हैं, ये भी हमारे जीवन में ऐसे कार्य करती हैं कि जैसे कोई अंतहीन झरना हो और ये हमें अमृतत्व पेड़ जो कि स्वर्ग के किनारे से अमृतत्व पेड़ हमारे अंदर उड़ेल रहे हो। तो इनका कहने का मतलब ये सब सारी चीजें नेचर की जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है ये सब क्या है हमारे अंदर बहुत ज्यादा से ज्यादा जॉय को हैप्पीनेस को भर देती है और हमारे अंदर की जो भी सैडनेस है उसको निकाल देती है। तो बच्चों ये थी पोएम, इसमें इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।